हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शंस लेक्चर टू। लेक्चर वन 16 तारीख को था, लेक्चर टू अब 17 तारीख को है। अगर आपने लेक्चर वन नहीं देखा तो पहले लेक्चर वन देख लें, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ का रिलेशन फंक्शन वेरी डिफिकल्ट चैप्टर में कंसिडर होता है। लेक्चर वन क्लियर नहीं होगा तो लेक्चर टू में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो लेक्चर वन अगर आप लोग देख लिए हैं, लिख लिए हैं, कॉपी में नोट कर लिए हैं, तो अब लेक्चर टू स्टार्ट करने का टाइम आ गया। तो कल हमने पढ़ा था रिलेशन किसको कहते हैं, फिर सिखाया गया था डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन ऑन अ सेट, उसके बाद फ्यू क्वेश्चंस ऑन टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन इन अ सेट। नाउ इन लेक्चर टू वी विल स्टडी अबाउट इनवर्स रिलेशन, ओके। तो इसको आप ध्यान से लिख भी लेंगे, समझ भी लेंगे। तो लेट ए कॉमा बी बी टू सेट्स, दो सेट्स, और अगर आर एक रिलेशन है, कल समझाया गया था फ्रॉम ए टू बी, ए बी दो सेट है और आर एक रिलेशन है ए टू बी, देन इनवर्स ऑफ आर इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। नोट कर लेंगे पहले अच्छे से। ए बी अगर दो सेट है, आर एक रिलेशन है सेट ए से बी के बीच में, देन द इनवर्स ऑफ आर इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू ए, ठीक है। कैसे होगा, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिलेशन आर बाय इंटरचेंजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा टाइट लगे तो कुछ उतना सोचने का जरूरत नहीं है। कल आप रिलेशन लिख रहे थे, जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा था उसी को बस इंटरचेंज कर देना। आर इनवर्स देखिए कैसे लिखाएगा, सेट के फॉर्म में बी ए, ए बी तो रिलेशन पहले लिखेंगे, फिर उसके कॉम्पोनेंट के ऑर्डर्ड पेयर को इंटरचेंज कर देंगे तो आर इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि लेट ए सेट है वन से लेकर के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, दस एलिमेंट है सेट ए में, और एक रिलेशन है एक्स प्लस टू वाई बराबर टेन, वेयर एक्स वाई बोथ बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। ए सेट है, दस एलिमेंट है, रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस टू वाई बराबर टेन, एक्स वाई बोथ बिलोंग टू सेट ए, ये रिलेशन है, उसका आर इनवर्स लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस टू वाई बराबर टेन, वाई बराबर टेन माइनस एक्स बाई टू, अब वैल्यू प्लेस करेंगे, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 9 बाई टू, जो कि a पर बिलोंग नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि x y दोनों ही a को बिलोंग करना चाहिए। 2 पुट करेंगे तो y 4 आ जाएगा, सिमिलरली x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इससे रिलेशन लिखा जाएगा 2 4 4 3 6 2 8 1, 2 4 4 3 6 2 8 1, ये तो रिलेशन हुआ, रिलेशन नहीं लिखना था क्वेश्चन, देखिए देन आर इनवर्स निकालना। कैसे सिखाएगा आर इनवर्स निकले के लिए, पहले रिलेशन लिखिए, उसके कंपोनेंट के सिर्फ ऑर्डर को इंटरचेंज कर देना है, तो आर इनवर्स कितना हो जाएगा 4 2 3 4 2 6 1 8। क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी लेकर के लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर डेटा है, आप इस चीज को नोट में एनालाइज कर लेंगे। जो आर का जो रिलेशन का डोमेन है वो आर इनवर्स रिलेशन के इनवर्स का रेंज होगा, जो रिलेशन का जो रेंज है वो आर इनवर्स रिलेशन के इनवर्स का डोमेन होगा, ठीक है। तो रिपीट कर लिया जाए, इनवर्स रिलेशन क्या है, अगर दो सेट है, आर एक रिलेशन लिख लिया ए से बी पे, तो आर इनवर्स लिखने के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, रिलेशन जो लिखा है उसके ही जो कॉम्पोनेंट है उसके ऑर्डर्ड पेयर को इंटरचेंज कर देना है, उसी से निकल जाएगा आर इनवर्स, रिलेशन का इनवर्स, रिलेशन का डोमेन आर इनवर्स का रेंज, रिलेशन का रेंज आर इनवर्स का डोमेन। आर इनवर्स आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आर इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए पहले आपको रिलेशन लिख लेना होगा, रिलेशन लिखने के बाद सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट को इंटरचेंज कर देना है, उससे हमारा आर इनवर्स का वैल्यू आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लें एक बार और, इनवर्स रिलेशन।
अब आगे टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, सब अच्छे से लिख लेना है। कल के लेक्चर में भी मैंने क्लियर कट बताया था कि ये जो टॉपिक है रिलेशन ऑन सेट, वो एक्चुअली में क्लास 11th में भी दिया हुआ है, तो दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने ठीक से तैयारी की है, ये क्लास 11th के बुक, नोट्स कॉपी, ट्यूशन कॉपी सब में आपको मिल जाएगा। बट 11th के एग्जाम में नहीं आता है ये, 12th क्लास का ये जो टाइप्स ऑफ रिलेशन अभी हम लोग लिखेंगे, 12th क्लास बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन से। कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपके CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, उससे जरूर आएंगे। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, जो लोग भास्कर क्लासेस में पहले से भी इसका लेक्चर कर चुके हैं, और जो लोग नहीं किए हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि रिलेशन से एक क्वेश्चन जनरली JEE मेंस के एग्जामिनेशन में, NDA के एग्जामिनेशन में आ ही जाता है, और वो जो क्वेश्चन आता है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन से ही रहता है। मेंस और NDA एंट्रेंस एग्जामिनेशन छोड़ करके भी मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 12th क्लास बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी टाइप्स ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन श्योर आएंगे। तो इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से लिख भी लेंगे, बुक्स में भी लिखा ही हुआ है सारा, जो भी बुक आप पढ़ते हैं मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, सारा आप लोग लिख लेंगे ट्यूशन कॉपी में। बार बार बताया जा रहा है मोबाइल से देखने पर, लैपटॉप से वीडियो देखने पर कोई फ़ायदा नहीं है, ट्यूशन कॉपी में नोट करके रखना होगा। और वन हु आर रियली कंसर्न अबाउट देयर करियर, बोर्ड का एग्जाम तो होते रहेगा, JEE के एग्जामिनेशन में, NDA के एग्जामिनेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन श्योर आएंगे, इसलिए ठीक से समझेंगे, ठीक से पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में पहला नंबर है वॉइड या फिर एम्प्टी रिलेशन। वॉइड का मतलब ही खाली होता है, एम्प्टी। तो लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन फाई विच इज अ सबसेट ऑफ ए बाई ए इज कॉल्ड अ वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। फाई, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, वही एक एग्जाम्पल होगा वॉइड रिलेशन का, एग्जाम्पल नहीं वही वॉइड रिलेशन है। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन फाई विच इज अ सबसेट ऑफ ए बाई ए इज कॉल्ड अ रिलेशन, इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन और अ वॉइड रिलेशन। ठीक है, दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन, दूसरा है बी नंबर यूनिवर्सल रिलेशन। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन ए बाई ए इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए। इसका मतलब तो आप समझ ही रहे, ए बाई ए में जितना एलिमेंट है सबको ही आप अगर एक रिलेशन में लिखे तो वो जो रिलेशन होगा वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे कि रिलेशन शुड बी अ सबसेट ऑफ ए बाई ए, पूरा ए बाई ए में जितने एलिमेंट है सबको ही लिख दो, तब जो रिलेशन बनेगा उसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तीसरा है आइडेंटिटी रिलेशन, थर्ड नंबर रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन, थर्ड नंबर रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन, थर्ड नंबर रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। तो लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन ये साइन है आइडेंटिटी रिलेशन का, इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इसका काम बीच बीच में पड़ जाता है, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्वेश्चन में क्या करना है। तो ये जो साइन है आई ए, दिस इज साइन ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें करना क्या, देख रहे हैं ए ए सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। पहले लिख लो फिर समझाता हूँ। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन आई ए ए ए सच दैट ए बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। ध्यान से देखेंगे, अगर ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें चार एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 4, तो ए बाई ए विल हैव 16 एलिमेंट्स, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, उन सब में से आइडेंटिटी रिलेशन किसको कहेंगे, ए ए सेम वाले पेयर होने चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4, इसी को हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, 1 2 3 4 है ए, ए बाई ए में से सिर्फ ए ए वाला ही लिखना है 1 1 2 2 3 3 4 4, इसी को हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। याद रखना, जैसे 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 तक ही मान लो लिखा हुआ रहा, तो वो रिलेशन तो होगा बट वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, इसको ख्याल रखना, क्योंकि इसमें 4 4 नहीं हुआ। ठीक है, फिर देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 तो है, बट साथ में और कुछ 1 4 4 1 3 2 4 2 ये सब भी रहेगा, तो वो भी एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ ये एग्जांपल 1 2 3 4 है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 सब का सब होना चाहिए, उसी को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। तीन रिलेशन पढ़ चुके हैं, पहला वॉइड जो कि फाई है, यूनिवर्सल जो कि पूरा ही ए बाई ए है, तीसरा आइडेंटिटी जो कि आई है ए है ए ए। याद रहेगा, सबका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे आप लोग, फिर आराम से लिखेंगे। तब तक मैं समझा दूं पहले।
फोर्थ नंबर जो रिलेशन है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन. फोर्थ नंबर रिलेशन इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. फोर्थ नंबर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. देखो रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ, फिर से देखो, रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है. रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. मतलब आर को रिफ्लेक्सिव होने के लिए, आर को रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर पर. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए. थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को, ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और आइडेंटिटी रिलेशन एक जैसा लगता है, बट है नहीं. क्लियर है, दुनिया का जो भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, बट जरूरी नहीं कि वो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन हो. जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे थे, वो 1 1 2 2 3 3 ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, बट रिफ्लेक्सिव हो सकता है 1 1 2 2 3 3. आइडेंटिटी वाला जो रिलेशन है वो कन्फर्म जो है वो किसी भी कीमत पर रिफ्लेक्सिव होगा, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो जरूरी नहीं है कि हर बार आइडेंटिटी रिलेशन हो. एग्जाम्पल्स और क्लियर हो जाएगा, बट पहले सब चीज लिख लेंगे. ठीक है, पांचवा नंबर जो रिलेशन है दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन. नाम भी याद करना पड़ेगा, सिमेट्रिक. रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक. रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक. रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ आई डबल एफ है. ठीक है, इसको ख्याल रखना. ये ऐसा है, अगर ए बी उस रिलेशन आर को बिलोंग करता है, अगर वाला बात है, अगर ए बी अगर उस रिलेशन में है और बी ए भी उसी रिलेशन में है, पहले मेक श्योर करो कि ए बी अगर उस रिलेशन में है, उसके बाद अगर बी ए भी उसी रिलेशन को फॉलो कर रहा है, सारे ए बी बिलोंग करने चाहिए नॉन एम्प्टी सेट ए को, तभी उस रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशनशिप कहेंगे. ठीक है, फिर से देखते हैं. रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ आई डबल एफ है. अगर ए बी आर रिलेशन में है और फिर अगर आप प्रूफ करके दिखा पाए कि बी ए भी उसी रिलेशन को फॉलो कर रहा है, उसमें है, और ये सारे ए बी बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट ए में होना चाहिए, उसी रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे. ए बी में है अगर, और आप प्रूफ करके दिखाए कि बी ए में भी वही रिलेशन है, तब. नोट बना करके ख्याल कर लेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन में वो जो रिलेशन लिखोगे या फिर उस रिलेशन का इनवर्स, थोड़ी देर पहले सिखाया गया इनवर्स रिलेशन कैसे लिखा जाता है, तो आर और आर इनवर्स में अगर सेम ही एलिमेंट लिखा हुआ हो तभी समझ जाना कि वो जो रिलेशन है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है. याद रहेगा, क्लियर कट बात है. दुनिया का सारा आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट ए हमेशा सिमेट्रिक होगा, इसको ख्याल रखना. कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन सेट ए पर हमेशा सिमेट्रिक होगा. तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या क्या करना है, अगर ए बी में रिलेशन है और अगर आप प्रूफ करके दिखाएं कि बी ए भी उसी रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तब उस तरह के रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे. ध्यान रखना है कि रिलेशन और रिलेशन का इनवर्स सेम होगा अगर वो रिलेशन सिमेट्रिक है तो. दुनिया का सारा आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट हमेशा सिमेट्रिक होगा, ये सब नोट भी करेंगे स्क्रीनशॉट लेकर. ठीक है, उसके बाद वाला जो रिलेशन है उसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है. रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव. रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव. रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ, इसमें भी आई डबल एफ है. इसमें कुछ कुछ और मेक श्योर करना है, अगर ए बी रिलेशन को फॉलो कर रहा हो, अगर बी सी भी उसी रिलेशन को फॉलो कर रहा हो, ए बी फॉलो करना चाहिए, बी सी भी फॉलो करना चाहिए, उसके बाद अगर आप प्रूफ करके दिखाएं कि ए और सी भी उसी रिलेशन को फॉलो कर रहा है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट ए, तब उस तरह के रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे. ट्रांजिटिव रिलेशन कहने के लिए, ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन अ सेट प्रूफ करने के लिए पहले मेक श्योर करना पड़ेगा ए बी एक रिलेशन को फॉलो कर रहा हो, बी सी भी उसी रिलेशन को फॉलो कर रहा हो, उसके बाद आप प्रूफ करके दिखाएं कि ए सी में भी अगर वही रिलेशन है, तब जाकर के माना जाएगा कि वो जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है. ए बी में होना चाहिए, बी सी में होना चाहिए, प्रूफ करके दिखा दो कि ए सी में भी वही रिलेशन है, तब जाकर के माना जाएगा कि वो जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है. ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर जेई के एग्जामिनेशन के लिए भी, वो ये वाला रिलेशन है लास्ट, इक्विवेलेंट रिलेशन. क्लियर है, एक रिलेशन आर ऑन अ सेट ए को इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा
और ट्रांजिटिव भी होगा। अगर हम लोग प्रूफ करके दिखा सके कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तभी जाकर के वो जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। ठीक है, इसको पहले नोट करेंगे फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और मैं बार बार बता रहा हूँ, क्लास में जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो भी डिस्कस किए जाएंगे, मेंस के एग्जामिनेशन में, एनडीए के एग्जामिनेशन में, एडवांस के एग्जामिनेशन में। सिर्फ टाइप्स ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, बट मेंस, एनडीए और स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग क्लास में ही करने का ट्राई करेंगे। असाइनमेंट वगैरह उतना नहीं मिलेगा कि होमवर्क करके दिखाओ, ये वो बुक पढ़िए, एनसीईआरटी, आर सवाल, आर डी शर्मा, के जी सिन्हा, जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उसको पढ़िए। ज्यादातर मेंस, एडवांस, स्कूल एग्जाम, एनडीए का क्वेश्चन मैं क्लास में ही डिस्कस कर दूंगा। आप ट्यूशन कॉपी में जरूर लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे टाइप ऑफ रिलेशन का, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे बुक्स में भी दिया हुआ डेफिनेशन। हाँ तो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल मान लो, क्वेश्चन मान लो, जो मानना है आपकी मर्जी है। ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2018 का। हमारे ट्यूशन में यही पॉलिसी है, पहले मेंस एडवांस का क्वेश्चन कर लेंगे, बोर्ड का क्वेश्चन तो कर ही लेंगे आसानी से बिना कोई ज्यादा प्रेशर लिए हुए। ये जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है। लेट एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। रिलेशन वन कहता है 2x + y = 10 आना चाहिए, एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर पर। आर टू कहता है, रिलेशन टू कहता है x + 2y = 10 आना चाहिए, उसमें भी एक्स वाई नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, खुद से बना करके भी देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को। रिलेशन आर वन को सॉल्व करेंगे, 2x + y = 10, तो आर वन आएगा 1826342, पुट करके देख लें। नेचुरल नंबर बाई नेचुरल नंबर का क्वेश्चन है। तो रेंज क्या हुआ, पिछले लेक्चर में सीखे थे, रिलेशन लिखने के बाद जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड वाला कंपोनेंट होता है उसको रेंज कहते हैं। तो रेंज क्या निकला, 8642, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं। आर टू रिलेशन x + 2y = 10 है, x की वैल्यू 1 जैसे पुट करेंगे तो वाई 9/2 आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ एक्स वाई दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, तो गड़बड़ हो गई। 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 4/3, 6/2, 8/1, रिलेशन आर टू 2, 4, 4, 3, 6, 2, 8, 1। रेंज लिखने के लिए, रिलेशन लिखने के बाद ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट जो कि है 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, जो कि दिख रहा ऑप्शन बी। रेंज ऑफ आर टू इज 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1। यही जेईई मेंस 2018 जो कि 16 तारीख वाले एग्जाम का था, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। बड़े बड़े कोचिंग वाले लोग ऐसे ही 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए फी ले लेते हैं, मेंस एडवांस का उल्टा सीधा क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चंस एकदम आपके सिलेबस से रहेंगे, कौन कितना प्रैक्टिस करके गया है, किसको कितना रिकॉल है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बाकी एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये एक एग्जांपल रिलेशन को समझने के लिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन को समझने के लिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बट ये मेंस 2018 का एक एग्जांपल के थ्रू आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पर खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन का, बोर्ड का और जेईई का जितना क्वेश्चन आया वो सब हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के।